वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम, मैं प्रकृति कृषक अंकित मालू। देखिए, प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, प्रकृति में एक सबसे बड़ी शक्ति कहती है सूर्य देवता को। तो सूर्य देवता इतनी बड़ी ताकत है कि अगर दो दिन ना आए तो पूरी दुनिया का हाल क्या हो जाएगा, आप खुद अपने सपनों में सोच सकते हैं। तो मैं प्राकृतिक कृषक होने के कारण मैंने अपने घर में प्राकृतिक सोलर पैनल लगाया हूँ। मेरा घर में परिवार बहुत बड़ा है, मेरे यहाँ महीने के 10,000 रुपये बिजली बिल आता था और आज मेरे यहाँ बिजली बिल मात्र 500 रुपये आता है। इसको लगाए हुए लगभग मेरे को 6 से 7 महीने हो गए हैं। ये सोलर पैनल है, आप ये देख सकते हैं, ये सोलर पैनल सूर्य की शक्ति अपने अंदर लेते हैं और इससे हमारा बिजली पैदा होता है। देखिए, आने वाले समय प्राकृतिक अन्न, प्राकृतिक खेती का और प्राकृतिक सोलर पैनल का और बिजलियों से और बायो एनर्जी से गाड़ियाँ चलेगी, मतलब सतयुग आने वाला है, अपने आप हर चीज़ें खुद रिवाइव होगी और अब नेचुरल सोर्स या नेचुरल एनर्जी के लोग जा रहे हैं। तो सोचिए कि मैंने अपने यहाँ ये उस समय आज से 6 से 7 महीने पहले 2 लाख रुपए का लगाया था। अभी के रेट हमारे साथ जिनने ये इंस्टॉल किए हैं आपको बताएंगे, और 6 महीने इसको हो गए हैं और लगभग 25 साल तक इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वारंटी रहती है। आगे की जानकारी सर आपको, निखिल सर है मेरे साथ, वो आपको देंगे। तो इतना ज़्यादा अच्छा है, और इसके नीचे जो हमारा कमरा था वो गर्म नहीं होता क्योंकि पूरी सूर्य की रोशनी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो नीचे कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको यकीन नहीं होगा कि 10,000 का बिल आपका मात्र 500 से 700 रुपये आने लगा है। और ये 5 HP का है, 5 HP का ये है। गर्मी में अगर ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता तो बिल 1-2 हज़ार ऐसा आ जाता, लेकिन अभी एवरेज बिल हमारा 700 से 800 रुपये आ रहा है, जो हमारा 10,000 रुपये आता था। तो सोचिए कि 2 लाख रुपये लगाने के बाद 6 महीने में ही मेरे 60 से 70 हज़ार रुपये बच चुके हैं। 60 से 70 हज़ार रुपये बचने के बाद आप ये मान के चलिए कि लगभग 1.5 साल में मेरा ये फ्री हो जाएगा। तो आप सोचिए कि प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और प्रकृति भारत की बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं अब आपको निखिल सर से मिलाने वाला हूँ। निखिल सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये निखिल सर हैं जिनने हमारे यहाँ सोलर पैनल लगाए और ये मेरे पास खुद आए कि आप प्रकृति खेती करते, तो मैं प्रकृति की एक अनूठी चीज़ दे रहा हूँ। तो सोचिए कि ये मिलने के बाद मेरा लगभग 6-7 महीने से मेरे 60-70 हज़ार बच चुके हैं और लगभग 1 साल बाद ये मेरा फ्री हो जाएगा। तो सर, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए कि सोलर पैनल को मेरे को कितने साल की वारंटी मिलेगी। सर, पैनल की जो वारंटी होती है वो 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी रहती है। 25 साल की जी। और चलता कितना फिर भी अगर अच्छे से अपन रख रखाव रखे, सफाई रखे तो? सर, 25 साल का तो इसका पीरियड है ही, 10 साल की आपकी फुल रिप्लेसमेंट वारंटी रहती है जी। और 90% एफिशिएंसी के साथ में 25 साल की वारंटी रहती है। उसके बाद आपकी 30-35 साल का इसका सर्विस रहता है, बाकी इसमें और कोई जरूरत नहीं होती। मतलब कुछ आपको, आपने कभी इसमें कुछ किया नहीं होगा, आपके पास 6-7 महीने से लगा हुआ सर्विस। हम हर 1-2 महीने में हल्की सी सफाई करते हैं। सफाई यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाँ जी, कि ये चिड़िया ने पॉटी कर दी तो उसको साफ सफाई बस लगती है। तो सोचिए, 25 साल की आपके पास वारंटी है, 10 साल की रिप्लेस वारंटी है और 35 से 40 साल तक ये चल सकता है, निखिल सर जैसा बता रहे हैं। तो इतनी शानदार चीज है। अच्छा सर, ये कैसे काम करता है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर, इसके इसमें होता है फोटोवोल्टिक सेल। अच्छा, फोटोवोल्टिक सेल जो होता है सिलिकॉन का। अच्छा, जैसे ही सनरेज इसमें पड़ती है जी, एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति होती है, हाँ, तो वो एक्टिवेट सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, सनलाइट से जी, जी। और फिर उसके बाद में ये एक्टिवेट होके सारा कुछ इसका कॉम्बिनेशन होता है और वो आपके ये डीसी में बिजली उत्पन्न करता है। अच्छा, जैसे ही जो ये मीटर लगा हुआ है जी, ये मीटर में वो बिजली जाती है। हाँ जी, तो वो उसको कन्वर्ट कर, वो इन्वर्टर कहलाता है एक्चुअली। ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम, इसको ऑन ग्रिड सिस्टम कहते जी, हैं जी, दो टाइप के सिस्टम होते हैं सर। क्योंकि अपन शहरी क्षेत्र में है, अपने 24 घंटे बिजली होती है, तो अपने को ऑन ग्रिड सिस्टम ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी लगती है, आपके यहाँ बैटरी भी नहीं लगी है। अब बैटरी में ये रहता है कि एक तो बैटरी की कॉस्ट होती है, उसके बाद में उसकी सर्विस कॉस्ट रहती है, तो ये भी आपका खर्चा बचा एक तरीके से। अभी मैं दर्शकों को या मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये काम कैसे करता है। अगर इसमें आपने बैटरी लगा दी है तो ये बिजली आपके घर में ही पूरी चलेगी। अभी इनने एक ऐसा सिस्टम लगाए हैं जिसमें हमारी बिजली उत्पन्न होती है और नीचे जो मीटर लगा है वो बिजली विभाग को जाती है। तो अगर जैसे हमारा 10,000 का बिल आया और हमारी बिजली पैदा हुई लगभग 8 से 8.5 हज़ार की, तो मात्र हमको 1.5 हज़ार का बिल आएगा और 8.5 हज़ार बिजली का बिल हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा जो बिजली विभाग देगी। यही तरीका है ना सर, थोड़ा अच्छे से समझाइए आप। देखिए क्या रहता है, जैसे अपन तो आपने जो बताया वो 10,000 के बिजली बिल से अपन मान लेते हैं कि ये आप जो कंजम्पशन करते हैं वो 100 यूनिट का कंजम्पशन करते हैं एक महीने में जी। तो हम एक ऐसा सेटअप लगा देते हैं कि वो 100 यूनिट जनरेट करेगा जी। अब आपका जो कंजम्पशन है वो कभी
90 यूनिट भी हो सकता है, कभी 110 यूनिट भी हो सकता है। तो जैसे इस महीने आपने किया 110 यूनिट, तो आपको 110 यूनिट, बाकी के जो 10 यूनिट का बिल है वो आपको देना पड़ेगा। पर कभी आपने 90 यूनिट किया, तो जो बाकी का बचा वाला 10 यूनिट है वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। अच्छा, मतलब वो बिजली वालों के ऊपर, उनके ऊपर चढ़ जाएगा, पर वो उसका पैसा नहीं देंगे। होती कैसे, मीटर के द्वारा होती है क्या? जी, ये क्या होता है, यहाँ पर एक नेट मीटर लग जाता है, जो आपका ऑलरेडी कंजम्पशन मीटर लगा हुआ था, उसकी जगह हमने नेट मीटर लगा दिया। तो जितना भी जनरेशन होता है आने और जाने का, तो वो उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, आप इसको देख भी सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल आपका मीटर लगता है बिजली विभाग में, आप वहाँ जाइए तो वो उसकी जगह आपको एक नेट मीटर दे देंगे, जिसमें इसमें कितना कंजप्शन हुआ है आपका, इससे कितनी बिजली पैदा हुई और आपने कितनी जलाएं, उसको बीच में रस्ते में कटिंग करके अगर आपने ज्यादा जलाए हैं तो आपको बिल देना पड़ेगा, और कम पटाए तो वो अगले साल के लिए, अगले महीने के लिए भी वो उसमें जाके हेल्प कर देगा। तो ये इतनी शानदार चीज है। मैं मेरे को लगभग कितना समय हो गया सर? सर ये इस जनवरी में आपका एक साल हो जाएगा। हाँ, तो लगभग मैं जो जैसे आपको बताया कि 7 से 8 महीने मेरे को हो गए, मेरे को कंप्लीट इंस्टॉलेशन, ये पाइप लग के, ये मीटर लग के, बिजली की पूरी होके मेरे को 2 लाख रुपए लगे थे, लेकिन ये कहानी 8-9 महीने पुरानी। अब क्या है सर इसकी? एक साल पहले आपका सिस्टम लगा था जी, पर जो चालू हुआ है आपका सिस्टम वो 8-9 महीने पहले। अच्छा, मतलब ये आप जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो 3 महीने आपको पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगेगी, उसके बाद ये लगता है। अभी सर इसके कितने में लग जाएगा, 5 HP का कोई लगाना चाहता है? सर देखिए, अभी कितने HP के लग भी जाते हैं ये? देखिए, लगा तो आप 100 kW तक कर सकते हैं। नहीं, कम से कम कितना लगता है सर? कम से कम 3 kW से लेके आप जितना। अच्छा, 3 kW से हमने 5 का लगा है, जिसका ज्यादा बिजली बिल आता है वो ज्यादा लगा सकते हैं। आजकल ज्यादातर सरकारी बिल्डिंगों में और पेट्रोल पंप में हम देखते हैं लगा रहता है जी। तो ये भविष्य की टेक्नोलॉजी, मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि 1.5 साल बाद मेरी बिजली फ्री हो जाएगी। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे सर? मैं बता रहा था सर, अभी जो रेट चल रहा है 60,000 रुपए per kW से 3 लाख रुपए का पड़ता है, 58,000 की शासन की तरफ से सब्सिडी है। अच्छा, लगभग 20% इसकी सब्सिडी मिलती है। तो फिर अभी हमें कितने का पड़ेगा ये आपको पड़ेगा सर 2.5 लाख के आसपास का। 2.5 लाख का आसपास का, मतलब ये 5 HP का और 3 HP का लगभग। 3 का जाएगा सर 1,80,000 का। तो ये एक फोटो है, उसमें आपको ये रेट लिस्ट भी मैं दिखा दूंगा, तो इसमें आपको काफ़ी और जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो दिखा दूंगा लिंक। हाँ सर, तो अब ये जैसे ये जो मीटर लगा है, इससे पूरी बिजली हमारी उत्पन्न होती है, और इस मीटर से बिजली उत्पन्न होती है और इसमें जाके स्टोर होती है। सर इससे बिजली उत्पन्न होती है, ये DC में बिजली को जनरेट करता है, और वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर में AC जो अपने उपकरण होते हैं वो AC बिजली का इस्तेमाल होता है, अल्टरनेट करंट जिसको कहते हैं, वो उसमें चेंज करता है करंट को, और फिर वो मीटर में जाके आपके तो इसमें घर में यूज होती है। आपकी DC बिजली पैदा होती है, ये जो इन्वर्टर लगा है इसमें जाके कन्वर्ट होके AC होती है, और फिर जितनी आपकी बिजली पैदा हुई है वो मीटर में जाके दिखाती है, और इतना बिजली विभाग को जाता है। इस तरीके से आपको सब्सिडी मिलती है। अच्छा सर, अगर इसमें हम बैटरी लगा दे तो हमको बिजली विभाग की भी जरूरत नहीं, हमारे सब चलेगा इससे? सर उसके लिए फिर इन्वर्टर चेंज होगा। हाँ, वही मतलब एक अच्छी क्वालिटी का और इन्वर्टर, और एक मतलब जैसे कोई पहाड़ में रह रहा है बिजली नहीं, जहाँ आजकल तो भारत में सब जगह बिजली आ चुकी है। बिल्कुल, मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ आपसे। तो एक बैटरी लगेगी, इन्वर्टर लगेगा, कैपेसिटी के 5 HP में कितने AC और पंखे सब चल जाएंगे लगभग सर? सर वो फिर उसके लिए एक कैलकुलेशन होता है, वो अलग तरीके से काम करता है। क्या होता है कि आप 5 HP मतलब 5 kW का यदि हम लगा रहे हैं, और आपको यदि इंडिविजुअली चलाना है, यदि जहाँ पर बिजली नहीं है, तो वहाँ पर आप ये समझिए कि एक उसका कैलकुलेशन ये होगा कि आप कितना चला रहे हैं, मतलब कितनी देर AC चल रहा है, कितनी देर पंखा चल रहा है, कितनी देर, मतलब आपके जितने भी इक्विपमेंट्स आप वहाँ पर यूज़ करेंगे उनका सारा डिटेल हमें चाहिए होगा। जब आप वो बताएंगे उसके हिसाब से इंजीनियर एक कैलकुलेशन करेगा, और फिर सारी डिटेल करके आपको बना कर देगा कि कितनी आवश्यकता। तो सर मैंने निखिल सर से कराया था, नीचे इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनने बिल्कुल अभी की डेट में तो मेरे छोटे भाई जैसे हो गए बिल्कुल, तो इनने इतना अच्छा इंस्टॉलेशन किए, 3 महीने के अंदर पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके मेरे को दे दिए हैं। मेरा बिजली बिल बहुत कम हो गया है, और मेरे को इतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने लगा है। मेरे यहाँ बिजली का कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मेरे यहाँ बिजली बिल कभी 500 रुपये, कभी 1500 रुपये, उस मतलब उसके आसपास ही चल रहा है। और पहले मेरा बिजली बिल 10-10 हज़ार रुपये तक आ जाता था। तो एवरेज मेरे यहाँ अगर देखा जाए तो बिजली बिल 6-7 हज़ार रुपये आता था, जो अब मात्र 500-600 रुपये हो गया। तो कम से कम पर महीने आपको 5 हज़ार, तो इससे क्या कहते हैं सर? सर मेरे हिसाब से जो इसका कहना चाहिए
ये आपका 500 यूनिट पर मंथ जनरेट करता है। कितने का हो जाता है सर? तो आप 500 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, वही लगभग तो जो ये कह रहे हैं 4,500 से 5,000 रुपए बचता है, और मात्र मेरा 1.5 से 2 साल में ये फ्री हो जाएगा। लगभग 1 साल होने लगा, अगले साल तक ही मेरा पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। बाकी के ये मान के चलिए कि 23 साल मिनिमम अगर ये चलता भी है तो मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सोलर पैनल भविष्य की शक्ति है। और सर एक चीज़ और पूछना चाहता था, जैसे कोई किस्त में ले सकता है सर इसको? सर किस्त में बैंक के मतलब बैंक्स में तो ऑप्शन है, कुछ बैंक हैं जो प्रोवाइड करती हैं, और होम लोन के साथ में यदि हम इसको इंक्लूड करें तो हम इसको होम लोन के साथ में दे सकते हैं। तो कितनी अच्छी चीज़ बताए कि बैंक लोन आप ले सकते हैं, होम लोन के समय आप इसको तुरंत लगवा सकते हैं, कि आप हर महीने अगर 5-6 हज़ार बिजली बिल देते हैं तो वही किस्त आप इसको लगवाने में पटाएंगे, और एक समय बाद आपको 2 से 3 साल में इसकी बिजली फ्री हो जाएगी, और एक तरीके से आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों प्रकृति से प्रेम कीजिए, सूर्य की शक्ति को समझिए, और ये सोलर पैनल आप लोन से भी उठा सकते हैं, क्योंकि हर महीने हम बिजली बिल देते ही हैं, तो 2 साल बाद आपका बिजली बिल लगभग ना के बराबर आएगा। तो कितनी शानदार चीज़ है, और मैं इनको प्रणाम करता हूँ कि इतने यंग होके इतना अच्छा सूर्य की शक्ति को समझ के भविष्य का काम कर रहे हैं, भारत को बेहतर शक्ति बनाने का काम कर रहे हैं, और ये इसको भी मैं एक तरीके से प्राकृतिक काम करते हैं, क्योंकि सूर्य की शक्ति से चलेगी। आप सोचिए कि जो हम आज ज़्यादातर बिजली कोयला जलाने से हो रही है, और कोयले से कितना ज़्यादा प्रदूषण होता है और हमें कितना ज़्यादा भार आता है। तो ये आने वाला भविष्य है, प्राकृतिक तरीका है, सूर्य की शक्ति से चैनल चलेंगे। तो मैं आपको कहता हूँ कि सोलर पैनल लगाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं इसको उपयोग कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। मैं इनका डिस्क्रिप्शन का नंबर दे रहा हूँ, तो आप आइए इस नए युग से जुड़िए, इस नई नवीन यात्रा में जुड़ के अपने भारत को शक्तिशाली, समृद्ध और ताकतवर बनाइए, और अपने घर वालों से प्रेम कीजिए। जय हिंद। अब ये जैसे हम सोलर पैनल के नीचे लगे हैं, एल्यूमिनियम के लगे हैं, ये मेरे को वायरिंग दिख रही है, और कुछ ये क्लिप्स दिख रही है मुझे काली काली। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या है सर, ये वायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं नहीं, वायर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। कभी ऐसी दिक्कत आती भी है तो 10 साल के बाद में अपन इसको एक बार सर्विस करके वायरिंग बस अपन चेंज कर सकते हैं। और ये काली काली क्लिप्स क्या है सर? सर ये तो यहाँ से तो करंट जनरेट होता है, यहाँ से। यहाँ से जैसा समझ रहा हूँ, ये सोलर पैनल का करंट निकालने का एक इंस्ट्रूमेंट है कि हर एक सोलर पैनल में एक प्लस, प्लस माइनस जो होता है ना। अच्छा, ये प्लस माइनस, ये टेक्निकल जो चीज़ें हैं सर। और देखिए कितने बड़े एरिया में लगा है ये, मेरे ख्याल से ऐसा तो मुझे लग रहा है कि 20 फीट बाय 15 फीट में ऐसा लगभग दिख रहा है मुझे। जी, बहुत बड़े एरिया में लगा है, तो इससे हमको ये फायदा होता है कि नीचे जो हमारा कमरा है उस पर पहले हम चूना पटवाते थे कि गर्मी ना पड़े। जी, लेकिन अब ये बहुत अच्छा हमारा काम कर रहा है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो ब्लैक वाले वायर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ब्लैक वाले वायर में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जो व्हाइट वाला वायर है, आप कभी चाहें कि भाई ऐसा कुछ लग रहा है अपने को कि यहाँ से ढीला हो गया या टूट गया है, तो इसको अपन 10 साल के बाद एक सर्विस दे सकते हैं। उसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना सर।